मैं लुम्मा सिंह और आज मैं आपको चटपटी कटोरी चाट बनाकर दिखाऊंगी जिसे बूढ़े बच्चे सभी पसंद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कटोरी के लिए डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है चार लोगों के हिसाब से एक कटोरी मैदा, थोड़ी सी 2 चम्मच सूजी, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड मोयन के लिए और हींग। तो चलिए अब हम इसका डो तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने एक कटोरी मैदा डाल लिया है, ये मैंने 2 चम्मच सूजी ली थी। सूजी से एकदम से क्रिस्पी टाइप के बनेंगे। और ये 1/2 टीस्पून अजवाइन, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हींग और मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल। आप जो भी ऑयल चाहे यूज़ कर सकते हैं। मोयन डालने से क्या होता है ना, पूरी एकदम कुरकुरी रहेगी आपकी, सॉफ्ट नहीं होगी, जिससे कि कटोरी अच्छी बनेगी। और चलिए अब इसको हम लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा डो लग चुका है। अब हम इस डो पे थोड़ा सा ऑयल लगा के 10 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद चलिए अब हम चाट की तैयारी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें चाट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो ये मैंने 250 ग्राम छोले जो उबाल लिए हैं, दही है, 4 बड़े आलू हैं जो मैंने उबाल के काट लिए हैं पीसों में, ये नमकीन चाहिए हमें सजाने के लिए, नींबू लिया है हमने, और ये चाट मसाला, काला नमक, और ये अमचूर पाउडर, हरी मिर्ची कटी हुई, सफ़ेद नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर, काली मिर्ची, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, और ये सजाने के लिए मट्टी मैंने मैश की हुई है, और ये हमें ऊपर से चाहिए हरे धनिया की चटनी, मीठी चटनी, अनार के दाने, 2 प्याज कटे हुए, 2 टमाटर कटे हुए, हरा धनिया सजाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसमें छोले में आलू मिक्स करेंगे। इसके हम चाट सी बना लेंगे। क्या होता है ना कि अगर हम ये सादा रखेंगे आलू और छोले, तो इसके अंदर बीच में कोई फ्लेवर नहीं आएगा। इसमें हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके मैश करके डालेंगे। देखिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वादानुसार जैसा आप खाते हैं वैसा डालिए नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा सा प्याज कटा हुआ, थोड़ा टमाटर, और थोड़ी सी हरे धनिया की चटनी, थोड़ी लाल चटनी, सौंठ बोलते हैं जिसे, जैसा आप खाते हैं वैसे डाल लीजिए, और थोड़ा सा हरा धनिया। थोड़ा सा दही, थोड़ा सा दही डालेंगे और हल्का सा नींबू का रस निचोड़ देंगे इसमें। इससे क्या है ना, गैस वगैरह नहीं बनती है और ये नुकसान नहीं देता कुछ भी। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मैश कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पूरी तैयार करते हैं कटोरी के लिए। इसके लिए हम लोइयां तोड़ लेंगे मीडियम साइज की और लोइयां तैयार करेंगे इस तरीके से। हम सारी लोइयां बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बेलेंगे। इसमें चाहिए तो आप परथन भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। इसकी पूरी ना ही तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ही पतली होनी चाहिए,
वैसे भी आपकी कटोरी के साइज़ पे डिपेंड करता है, मेरी पास जो कटोरियाँ वो बहुत छोटी छोटी हैं तो मैं उसी हिसाब से बनाऊँगी, और आपके पास जैसी हूँ उसी हिसाब से आप बेलिएगा। इसी तरीके से हम सारी पूरियाँ बेल के रख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने सारी पूरियाँ बेल के तैयार कर ली हैं, और मेरे पास इस साइज़ की कटोरियाँ हैं, अगर आपके पास बड़ी कटोरी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और फ्रेंड्स कुछ लोग ना गिलास भी यूज़ करते हैं, उस पर भी अच्छे बनते हैं, आप चाहें तो गिलास भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे लेंगे और इसे इस तरीके से उस पर रख देंगे, ऐसे ऐसे रखने के बाद हम इसे ऐसे करके और इसे इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर छुटाने में दिक्कत आएगी। ऐसे करके आप उसको प्रेस करें, देखिए इस तरीके, इस तरीके से प्रेस करते जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमने अपनी कटोरियां बना ली हैं, और हमारे कढ़ाई में हमने तेल डाला था जो खूब अच्छे से गर्म हो चुका है, और इसे हम साइड से ऐसे डालेंगे, और थोड़ा ध्यान से डालें, आपको कोई छिट्टे नहीं आने चाहिए। ऐसे करके इसे हम डाल देंगे और इसे थोड़ी देर होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक कटोरी हो गई है, उसने कटोरी छोड़ दी है, इसको हम ऐसे निकालेंगे। और फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम, इसमें ना थोड़ा सा अंदर भी ऑयल भर देंगे, जिससे कि कच्ची ना रहे, अंदर भी खूब अच्छे से हो जाए। इस तरीके से आप ऑयल भर दें। फ्रेंड्स देखिए हमारी कटोरियाँ कितनी क्रिस्पी बनी है, एकदम से अच्छे से बज रही हैं, कहीं से भी सॉफ्ट नहीं है। अब हम इनमें अपनी जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो भरेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम छोले और आलू का मिक्सचर डालेंगे, इस पे ये डाल दिया। अब इस पे हम डालेंगे हल्का सा चुटकी भर नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, प्याज, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। इसमें हम पहले भी सारे मसाले डाल चुके हैं, पर ये सब ऊपर से डाल के एकदम अलग ही स्वाद आता है इसमें, इसलिए हम ऊपर से भी डालेंगे। ये देखिए ऊपर से टमाटर डाल दिया हमने। अब हम इसके ऊपर डालेंगे दही थोड़ा, अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी नमकीन सेवइयाँ, अब हम इसके ऊपर डालेंगे मीठी चटनी, इसके ऊपर डालेंगे हम हरी चटनी, फिर इसके ऊपर डालेंगे हम अनार के दाने, चाट एकदम चटपटी सी खाने के लिए एकदम तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, ये हर उम्र के लोगों को पसंद आती है। इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा ये क्रिस्पी सा डाल सकते हैं, मेरे पास मटरी थी मैंने उसको थोड़ा सा तोड़ के रखा है, आपकी मर्जी है तो डालिए, नहीं मर्जी है तो मत डालिए, आपकी पसंद है। इसको ऊपर से डाल देंगे और बस हल्का सा दही ऊपर से डाल देंगे, तो देखिए फ्रेंड्स हमारी कटोरी चाट तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें।